Please subscribe Tech Chaser and press the bell icon for new updates. Friends, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जियो का जैसे आपने किसी नंबर को कॉल किया तो उसकी हिस्ट्री अपनी कॉल हिस्ट्री कैसे निकालेगी, आपने किस किस नंबर को कॉल किया गया आपके नंबर से, तो इसकी हिस्ट्री निकालने के लिए आपको आपके मोबाइल में माई जियो ऐप होना चाहिए। जैसे कि मेरे मोबाइल में नहीं है तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में हो तो इसके आगे का फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। अभी बस ये तुरंत 2 से 3 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आप पहले माई जियो ऐप को इंस्टॉल कर लें। 20 MB का सॉफ्टवेयर है सिर्फ। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपने किस किस को कॉल किया है। इससे आप कोई भी नंबर की इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जानते हैं कि ये बहुत यूजफुल ऐप है। इसमें से सब कुछ आप डाटा भी पता लगाया जा सकता है, कितना डाटा आपके पास बचा है, SMS पैक कितना बचा है, इसमें सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये एक और प्रकार से भी वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अभी इसका मैं आपको नया यूज़ दिखाऊंगा। ये यूज़ आपको शायद नहीं पता होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो ओपन लिखा है इस पर क्लिक कीजिए और अपने माई जियो ऐप को ओपन कर लीजिए। उसको परमिशन दे दीजिए जो परमिशन मांग रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको परमिशन दे दी और ये मेरे मोबाइल से ओपन हो चुका है। और इसके बाद आप इसको स्क्रॉल कीजिए। ये जो यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई हैं, ये जो यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस बनी हुई हैं इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक दिखेगा माई स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये इसमें आप डेट तय कर दीजिए कि आपको कितने कितने के स्टेटमेंट देखना है। तो जैसे कि मैं और पहले के स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ तो मैंने 2 अक्टूबर 2017 से 15 नवंबर 2017 तक कर दिया है। और इसको व्यू पे क्लिक करके जैसे कि ये बता रहा है कि सिर्फ इसमें 30 दिनों का ही देखा जा सकता है। इसके लिए मैं फिर से इसको चूज करूँगा। यहाँ पे ये अपने आप 30 दिन कैलकुलेट कर लेगा और आपको 30 दिन का दिखा देगा। मैक्सिमम आप 30 दिन का देख सकते हैं। जैसे मैं अपना स्टेटमेंट ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन कर रहा हूँ। तो मेरा स्टेटमेंट जैसे कि आपके सामने देखिए खुलकर आ गया है। और इसको स्क्रॉल कीजिए यहाँ पे आपको रिव्यू मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका और डिटेल्स भी आपके मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक ये समरी नाम का ऑप्शन, ये यहाँ पे समरी नाम का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप अपना जो आपने जो रिचार्ज किया हो उसका आप पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक साइड में बॉक्स दिख रहा होगा, ये ऊपर कॉर्नर पे एक बॉक्स है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि इसको परमिशन दे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अपना ये जो लिखा है डाउनलोड स्टेटमेंट, इसको अपना चाहे स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए या अपने ईमेल पे भेज लीजिए। जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरा स्टेटमेंट अब डाउनलोड हो जाएगा। तो बस अब इसको ओपन कीजिए किसी भी अपने PDF रीडर से। तो यहाँ पे ये मेरा स्टेटमेंट ओपन हो गया है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए आपको पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। और आपके बाद इसके बाद ये लिखा है, ये यहाँ पे आपके नंबर की समरी आ जाएगी। इसके बाद आप इसको जूम करके आप देख सकते हैं आपने किस किस को कॉल किया, कितने कितने समय तक बात की है। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स आसानी से मिल जाएंगी। जैसे कि ये देखिए मैं इसको ज़्यादा जूम नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी इतना, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।